पेरिस के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट की बात की। सुबह 11:03 पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 11:08 पर सुनवाई खत्म कर दी गई। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट जहां सुनवाई हो रही है वो इस मामले पर कोई भी एक्शन लेने से बचे। कल यानी शुक्रवार को 4 बजे एक जज एलन राव का फेवल है, उससे पहले 3 बजे इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि हमने अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है, इसलिए और वक्त दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आपको कोई दिक्कत है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस लोअर कोर्ट में दीवार तोड़ने और वजू खाने को लेकर सुनवाई होनी है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन वाराणसी लोअर कोर्ट से ना लिया जाए। आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट ने याचिका सुनते हुए 3 अहम बातें कही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद में जहां शिवलिंग मिली है उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा, सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं है। वहीं वाराणसी कोर्ट ने 16 अप्रैल को दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था। 18 अगस्त 2021 को चारों महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं का स्थान है, ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की अनुमति दी जाए।